बिकॉज यहाँ पे मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँ, आज संडे है और मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ अभी। सो देखते हैं, अभी कॉलेज का फर्स्ट डे है मेरा, तो आगे देखते हैं क्या होता है। आज का दिन पहला दिन है, देखो। सो ये गाइस मेरा कॉलेज है, ये मेरा क्लासरूम है, देखते हैं अंदर बैठ के। सर गाइस क्लासरूम में अभी बैठा हूँ मैं, लग नहीं रहा है बिकॉज हम लोग संडे बैच में हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी टाइम भी नहीं रहता है, हमारा जॉब भी रहता है, संडे को टाइम रहता है। ठीक है, देखते हैं, अभी फ्रेंड्स तो आए नहीं, देखता हूँ मैं बाहर जाके अभी कॉलेज में क्या है, कुछ हो रहा है कि नहीं, गेम वेम खेल रहे कि नहीं है। यहाँ पे वैसे तो है एक बास्केटबॉल का कुछ तो है, मैं दिखाता हूँ तुमको। सो ये बास्केटबॉल है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग खेल सकते हैं, कैंटीन का एरिया है, एंड अच्छा खासे पेड़ भी लगाए रखे हैं नेचर। सर बस यहाँ पे आज संडे है तो ज़्यादा लोग आए नहीं है, जितने भी संडे बैच के स्टूडेंट्स हैं वही आएंगे। यहाँ पे हम लोग खेल सकते हैं, अच्छे खासे बास्केटबॉल्स खेल सकते हैं। यहाँ पे कैंटीन एरिया है, कैंटीन आई थिंक चालू है, लेकिन मैंने तो घर से खा के आया हूँ। सो जाते हैं अभी, देखते हैं अभी क्लासरूम में बैठेंगे क्या करें, थोड़ा कंटाला मार रहा है बिकॉज फ्रेंड्स आए नहीं, तो लेक्चर फर्स्ट डे है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है। सो गाइस सर आ चुके हैं, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे लड़के लोग हैं, मॉर्निंग में तो थे नहीं तो मैं आया तो कोई थी ज़्यादा, बच्चे लोग नहीं थे, अभी सर आए तो सब लोग आ गए, स्टार्ट हो रहा है हम लोग का फर्स्ट लेक्चर, एक्साइटमेंट बढ़ रही है। यहाँ पे सर ने लैपटॉप से डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन, प्रोजेक्टर। सो गाइस अभी यहाँ पे ब्रेक मिला है, थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले भी मेरा एक वीडियो था जिसमें हाँ ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं होता, इसने शायद देखा है मेरा ब्लॉग, कुछ नहीं बहुत बेकार ब्लॉग था। एक बार तुम भी ट्राई करो, नहीं बनाना। इसने इडली लाया था, खत्म हो गया, मैं भूल गया था बिकॉज मेरे को बहुत भूख लगी थी, मैं डायरेक्ट आया और खाने लगा। किस कॉल पानी, घर का पानी। तो गाइस अभी कौन क्लास लेक्चर सब खत्म किया, दो नंबर गया तो उससे पहले नहीं गया था, लेकिन उससे पहले गया था जब लेक्चर का ऑफ ब्रेक टाइम में गया था, 5 मिनट के ब्रेक टाइम में, 5 मिनट ब्रेक टाइम में हो गया था, हो गया खेलने के लिए, ले गया भाई उसे भी ले ले, आ जा बैठ जा, ये भी एक बंदा बगल में बैठा था, नहीं चटनी बच गया, पी ले, अरे अरे पी रहा है रिमूव करना उसे, अच्छा जा रहा है एकदम टेस्ट कैसा लग रहा है, यम्मी ओके, क्योंकि कल बाइसेप मारा था ना, चल पी, हो गया पी ना इसको, इसका इडली खत्म हो गया फिर भी ये चटनी बची है तो पूरा कंप्लीट कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, वेस्ट नहीं कर रहा है, तो खाने को एक अच्छी बात है। निकलेंगे वापस, दो लेक्चर्स है ना, दो लेक्चर्स 5 बजे तक और लेक्चर्स है, देन उसके बाद घर जाएंगे। बजरंगी भाई जान वाले ले रहे हैं ना अच्छे से एकदम मस्त, लास्ट में भाई ने प्रोटीन का चीज निकाला है, काफी अच्छा लग रहा है, अभी ये खाने के बाद पूरा फुल रहेगा, शाम तक एनर्जी रहेगी थोड़ी बहुत। वहां तक आए गए अभी 10 मिनट के ब्रेक, बर्फ की सादा बर्फ लेंगे, बर्फ कभी गन्ना पीने देखो, ये सेव है देखो, ब्लॉग करने की कोशिश, हाँ और भी, अबे इसको पूछ रहा है, ठीक है कोई नहीं, आज पहला दिन है, थोड़ा एक्साइटमेंट है, एंजॉय कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, पहला दिन है, हाँ क्या बोलते मराठी बोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, दिवस है दिवस फॉर एमबीए कॉलेज, या बोला हो क्या बोला तो मिक्स पहला कर, मिक्स हिंदी मराठी इंग्लिश, ओके सब अहिराणी, सुन लो अहिराणी पंजाबी, जो भाषा में तगड़ा वाला स्वास्थ्य हो, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे गाइस हमारा गन्ने का जूस रेडी हो रहा है, हमारी गाड़ी खड़ी है, अभी जस्ट आए,
गन्ने का जूस रेडी हो चुका है, पी के निकलेंगे बैक टू कॉलेज। बस लेक्चर था, लेक्चर के बाद हम लोग गए कैंटीन, कैंटीन में खाए पिए, देन उसके बाद भूख और लगी थी, सोचे जाके बाहर कुछ पी के आते जूस वीस, फिर हम लोग यहाँ पे आए। जस्ट कॉलेज के पास में ही है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट की दूरी पे गाड़ी से फटाफट जाने का, 10 मिनट में लेक्चर से हमारे। मैं इधर का आ गया मेरा, अरे नहाएगा क्या उससे, नहाएगा क्या, रुक जा 2 मिनट पी ले। सो गाइस ठंडा ठंडा आ गया हमारा, पीते इसको एंजॉय करते एंड देन बैक टू कॉलेज। इन लोग अभी तक आया नहीं है, देख रहे इन लोग ये बहुत भारी भारी बहुत भारी लाइन मार रहा है, ठीक है, एक हफ्ते बाद से भूल जाएगा किसको लाइन मार रहा था। बेचारी की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्लास ले रहा है वो, का गली और जो वो भी डिस्कशन बहुत भारी हो रहा है, वो भी बोल जाएगा और क्या हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा मुश्किल है। आज इसने लड़की को एक लाइन मार रहा है, एक हफ्ते बाद वापस आएगा, ये सोच रहा है कि वापस वो लड़की लाइन देगी कि नहीं देगी, टेंशन मत ले, फटेगी एक दिन, एक दिन फटेगी या तो तेरी फटेगी, खतरनाक नहीं होगा क्योंकि जो भी करना रहेगा आज ही कर लेंगे। ये क्या है, कुछ भी बोलता है बवाल होगा भे, देखना तुम सही में एक दिन में ही बवाल होगा, बवाल होने वाला है। स्टार्ट, हम अपने धंधों चालू करें, चालू हो जा। सो गाइस यहाँ पे लेक्चर्स खत्म एंड बैक टू होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज पूरी हालत खराब हो गई है।